मुझे एक्चुअली में काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पे हेडफोन्स रिव्यू करे हुए, बट हेयर इट इज़। ये है नॉइज़ के नए बजट वायरलेस हेडफोन्स, इनका नाम है नॉइज़ 2, और ये आप अभी ले सकते हो ₹1499 में एज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी ऑफर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा और नॉइज़ की ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं लिंक्स ड्रॉप कर दूंगा इन केस यू गाइज इंटरेस्टेड। बट क्या आपको ₹1500 में ये लेने चाहिए या कुछ पैसे और डालकर एक बेटर हेडफोन्स लेने चाहिए? Let's find out. Also, I'm not feeling very well today, so I'm really sorry if I don't sound well throughout this video. Alright, so here they are. This is how they look, and I would say initial impressions are not bad at all. I mean, the fact that isme noise ne matte finish diya hai, it definitely helps, and I like the overall design. Even though jo ye matte finish hai, it does take up quite a bit of fingerprints and smudges. Now, on the left ear cup, aapko kafi sari cheeze milte hain. So yahan par aapke volume up and down ke buttons hai, play pause ka button hai, and then there is also a mode button. Apart from that, noise ne yahan par ek USB-C charging port bhi diya. Again, not a lot of companies think about USB PC at this price point, but I'm so glad Noise did include that. Now, उसके साथ आपको एक auxiliary port भी मिलता है, so अगर आपके फोन में एक 3.5mm headphone jack है, तो आप इन headphones को wired भी use कर सकते हो. And apart from that, you get one microphone and a small LED indicator. Now, एक दो चीजें जो मैंने इन headphones के बारे में immediately notice करी, वो ये थी कि एक तो हमेशा ना एक क्रैकिंग साउंड आती है जब भी आप इनको हाथ में लेके चलते हो, जब भी आप इनको पहन रहे होते हो. अगेन, मुझे नहीं पता कि ₹1500 में और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, बट मुझे लगा मुझे स्टिल मेंशन करना चाहिए रिव्यू में, बिकॉज इट डज मेक द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ दिस हेडफोन्स इन द हैंड्स स्लाइटली मोर चीप. बट दैट सेड, हमें यहाँ पर हेडबैंड में काफ़ी सही कुशनिंग मिलती है, और जो इसकी एयर कप की कुशनिंग है वो भी मुझे काफ़ी सही लगी. एंड दे ऑल्सो फोल्ड इन हाफ इन केस आपको इनको अपने बैक पैक में कैरी अराउंड करना है. नाउ, नॉट रियली श्योर जो ईयर कप्स के कुशन वो यूजर रिप्लेसेबल है कि नहीं है, बट सो फार मुझे इनकी क्वालिटी काफी सही लगी. अगेन, आई वोंट बी एबल टू कमेंट अ लॉट ऑन द ड्यूरेबिलिटी, बिकॉज मेरे को इनको यूज करे हुए 3 या 4 दिन ही हुए हैं अभी तक, बट सो फार सो गुड. ऑल्सो हो सकता है कि ये शायद मेरे को ही लग रहा हो, बट फॉर सम रीजन आई फील जो इसका हेड बैंड का एक्सटेंशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है. सो मे बी अगर आपका बहुत बड़ा सर है, आपको शायद ये इतने कंफर्टेबल ना हो. नाउ, बाय डिजाइन जो नॉइस 2 है वो ऑन ईयर हेडफोन्स है, सो दे डोंट रियली गो अराउंड योर ईयर, they actually sit on your ears, and for that design I would say these are very comfortable. I mean, again, ye sirf 42 grams hi weigh karte hain, so they are extremely light on your ears. Now, main bolunga ki mujhe thoda sa discomfort mehsoos hua tha after about 15 or 20 minutes of usage, but that's because mere ko usually headphones use karne ki aadat nahi hai. So agar aap headphones usually use karte ho, aapko ye wale headphones काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगे. प्लस नॉइस ने यहाँ पर IPX5 वाटर रेजिस्टेंस भी दिया है, सो आप इन हेडफोन्स को वर्कआउट करते हुए या रनिंग करते हुए भी यूज कर सकते हो. ऑल्सो आई फाउंड जो इनके बटन है वो काफी ज्यादा टैक्टाइल है, विच कम्स इन रियली हैंडी जब आप रनिंग करते हुए ट्रैक्स चेंज कर रहे हो या वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहे हो. एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बटन, आप इन बटन से ऑलमोस्ट सारे मीडिया कंट्रोल्स चेंज कर सकते हो, लाइक प्ले एंड पॉज, कॉल्स ले सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंस भी ट्रिगर कर सकते हो, सो लिटरली एवरीथिंग. नाउ, मेरे हिसाब से ब्लूटूथ 5.3 एंड द फैक्ट कि इनमें आपको एक ऑक्सिलरी पोर्ट भी मिलता है इज गुड इनफ फॉर मोस्ट ऑफ यू आउट देयर. बट अगर वो नहीं, इसमें नॉइस ने एक माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट दिया है, सो इफ यू वांट टू गो आउट फॉर अ रन और आपको फोन लेकर नहीं जाना है, आप उस एसडी कार्ड में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट डाल सकते हो और सॉन्ग्स डायरेक्टली उससे प्ले कर सकते हो. एंड इफ दैट इज नॉट इनफ, आपको इसमें FM रेडियो का भी ऑप्शन मिलता है. अगेन, मुझे नहीं लगता कि मैं ये दो फीचर ज्यादा यूज करूंगा, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल रियली अप्रिशिएटिंग दिस. बट इफ देयर इज वन फीचर जो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि नॉइस ने यहां पर इंक्लूड किया है, वो है डुअल पेयरिंग. सो यस, आप इन हेडफोन से दो अलग अलग डिवाइसेस साइमल्टेनियसली पेयर कर सकते हो और उन दोनों के बीच में टॉगल भी कर सकते हो सीमलेसली. नाउ, सीमलेसली के बारे में बोलूं तो इट इज नॉट एज सीमलेस एज यू वुड फाइंड इन सम ऑफ द प्रीमियम हेडफोन्स, बट आई एम सो ग्लैड कि नॉइस ने ये स्टिल फीचर दिया है, बिकॉज वो आराम से ये फीचर स्किप कर सकते थे और कोई भी कंप्लेन नहीं करता. बट आई एम सो ग्लैड दे डिड. गुड जॉब नॉइस. चलो भाई, साउंड के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप हेडफोन्स साउंड के लिए लेते हो, राइट? सो ऑन द इनसाइड इसमें आपको 40mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स देर इज अ लिटिल बिट ऑफ कैच. नॉट टू स्टार्ट विद, ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज जो ऑन ईयर हेडफोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साउंड लीक करते हैं अगर आप थोड़ी हाई वॉल्यूम से म्यूजिक सुनते हो. नाउ, द साउंड क्वालिटी अदरवाइज मैं बोलूंगा इज गुड इनफ.
enough. And I say good enough because I can see a lot of people trying this out and saying ki isme zyada bass nahi hai, while in reality bass hai but wo boosted nahi hai. So you will not get that oomph factor. So jab bhi aap expect karoge ki bhai bass se pura headphones vibrate ho jayega, वो नहीं मिलेगा आपको इसमें. बट ऑन दी अदर हैंड, बिकॉज बेस बूस्टेड नहीं है, इसमें हाइज और मिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि जो इसका ओवरऑल साउंड सिग्नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है. नाउ पर्सनली मेरे को ये साउंड सिग्नेचर बेटर लगता है बिकॉज मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा बेस हैवी म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूँ. बट अगर आप करते हो, मे बी दीज आर नॉट फॉर यू. एंड द साउंड स्टेज ऑल्सो इज अगेन डिसेंट. मुझे ये नहीं पता है कि इस प्राइस पॉइंट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ साउंड स्टेज. बट you can easily use these for watching some casual movies. Instrument separation decent hai, it shouldn't be a problem. On the other hand, jo microphone ki quality hai wo mere hisab se thodi aur better ho sakti thi. Aapko sirf ek hi microphone milta hai and this is how you will sound like agar aap in headphone se WhatsApp call ya Zoom call karte ho. So let me know in the comment section below, what do you think of the microphone quality? Lastly, the battery life on these headphones is also great. Now Noise on paper claim kar raha hai ki aapko 50 hours of music playback mil sakta hai agar aap inko अबाउट 70% वॉल्यूम पे सुनते हो. नाउ मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ है इन हेडफोन्स को यूज करते हुए कि मैं इनकी पूरी बैटरी किल कर पाऊं, बट इट्स माय फोर्थ डे एंड आई स्टिल हैव अबाउट 60% बैटरी लाइफ लेफ्ट. सो अगेन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. What could be a problem, however, is the lack of wireless charging, because in headphones को 0 से 100% चार्ज करने में आपको 90 minutes लगेंगे. And मुझे लगता है कि because इसमें USB-C है, noise आराम से fast charging दे सकता था, but that is how it is right now. All right, so final verdict time then. क्या आपको noise to headphones लेने चाहिए? Well, अगर आप इनको रुपीज़ 1500 में ले सकते हो, आई फील इट्स अ स्टील डील, बिकॉज मार्केट में कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं है जो ऐसे डिज़ाइन के साथ ऐसे फीचर्स वाला हेडफोन्स और ऐसी साउंड क्वालिटी ऑफर करता है. बट थोड़े दिनों बाद नॉइस इसका प्राइस 4000 तक इंक्रीज कर देगा, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक दीज हेडफोन्स विल एंटर अ डेंजरस टेरिटरी, बिकॉज उस प्राइस रेंज के आसपास आपको JBL के 700BT ट्यून हेडफोन्स भी मिल जाएंगे, जो एक्चुअली में काफ़ी सिमिलर फीचर्स ऑफर करते हैं, बट देन इट कम्स विद ओवर द ईयर हेडफोन्स डिजाइन. सो द चॉइस इज योर्स. बट अगर आपको थोड़े और पैसे खर्चने हैं, आप सनहाइजर्स के 350BT हेडफोन्स ट्राई कर सकते हो. मैंने यहाँ पर रिव्यू करा, यू कैन चेक दिस वीडियो आउट. आज की डेट में भी वो हेडफोन काफी ज्यादा चल रहा है. बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ द नॉइस टू हेडफोन्स. अगेन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो अगर आपको ये हेडफोन्स खरीदने हैं. बट अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज कॉमेंट्स में डाल दो. एंड यू नो द ड्रिल राइट, सब्सक्राइब टू TKNET, स्मैश दैट लाइक बटन, फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, कीप आस्किंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.